हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावा मल्टी थ्रेडिंग विच इज़ सिंक्रोनाइजेशन। सिंस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग टॉपिक, आई विल कवर इट इन टू डिफरेंट पार्ट्स। इन वन पार्ट और दिस पार्ट आई विल कवर द थ्योरी ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, हाउ वी कैन सिंक्रोनाइज अ ब्लॉक ऑफ कोड और हाउ वी कैन सिंक्रोनाइज अ मेथड। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम विद उट सिंक्रोनाइजेशन एंड हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद सिंक्रोनाइजेशन। दैट आई विल कवर इन टूडेज क्लास। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की वर्ड इन सिस्टम यूजिंग जावा प्रोग्राम आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिंक्रोनाइजेशन थ्योरी पार्ट। सिंक्रोनाइजेशन इज द मॉडिफायर विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैथड्स एंड ब्लॉक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज सिंक्रोनाइज ओनली विद मैथड्स और ब्लॉक्स। इट इज़ यूज टू सॉल्व डाटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। सिंक्रोनाइज कीवर्ड कैन नॉट बी अप्लाई फॉर क्लासेज एंड वेरिएबल्स। सिंक्रोनाइज कीवर्ड इन जावा क्रिएट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड नोन एज क्रिटिकल सेक्शन। नाउ इफ यू हैव स्टडीड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रिटिकल सेक्शन मीन्स एट ए टाइम ओनली वन ऑफ द थ्रेड ऑफ प्रोसेस कैन एक्सेस अ रिसोर्स। टू एंटर अ क्रिटिकल सेक्शन अ थ्रेड नीड्स टू ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स लॉक। एंड दिस इज हाउ सिंक्रोनाइजेशन इज डन। वी विल राइट इट विद सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, द ऑब्जेक्ट ऑन विच यू नीड टू अप्लाई द सिंक्रोनाइज एंड द स्टेटमेंट्स। नाउ लेट सी वट एग्जैक्टली इज सिंक्रोनाइजेशन। सपोज देर इज ए मैथड M1। Now this method is not synchronized and there are two threads of the same object T1 and T2. I have created two threads T1 and T2 on same object. Now threads can be run concurrently, parallelly. So T1 is also accessing M1 and T2 is also accessing M1. In this situation, the data or the output can be inconsistent. Because it may happen that T1 is accessing M1 and simultaneously T2 is also accessing M1. So the data or the result can be inconsistent. इसका example एक बहुत simple example है। Suppose bank में आपका account है and there are two different persons who are going to access your account. Suppose in your account you have 1,000 rupees. One person goes, it withdraws 600 rupees. एक person है जो 600 rupees withdraw करना चाहता है, एक और person है जो 500 rupees withdraw करना चाहता है. Now see if both the persons are accessing the account simultaneously, both will see the remaining balance as 1,000. So अगर आप इसको देखते हैं तो अगर इसने पहले एक्सेस किया 1,000 में से 600 डिडक्ट हुए तो आपके पास बचे 400. Now 400 में से आप 500 rupees नहीं निकाल सकते, but still if it is not updated, this person will see the amount as 1,000 only. So it will also withdraw amount. थाउजेंड्स में से 500 अगर विड्रॉ कर लेगा देन द रिमेनिंग विल बी 500, विच इज़ इनकन्सिस्टेंट, विच इज़ नॉट करेक्ट. नाउ इफ़ ओनली वन पर्सन इज अलाउड टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर रिसोर्स एट ए टाइम, देन लेट सी इफ ही गेट्स एक्सेस फर्स्ट, द अमाउंट विल बी 400. दिस 400 गेट्स अपडेटेड हेयर, देन दिस पर्सन कम्स, he says I need to withdraw 500 rupees. Since the remaining balance is only 500, the message will displayed out not sufficient balance. This is how we can synchronize this particular resource and allows only one thread to access that resource at a time. That is synchronization. That if we are मेकिंग दिस पर्टिकुलर मैथड M1 एज सिंक्रोनाइज, अगर मैंने M1 को सिंक्रोनाइज कर दिया देन एट ए टाइम ओनली
either T1 can enter this or T2 can access this one at a time, one thread at a time. Now we will see the example of synchronize. What is the problem without synchronization and how we can solve the problem with the synchronized keyword. This is the program that I want to show. First we will see the complete program without using synchronized keyword, and then we will see what is the problem without using synchronized. सो मैंने एक क्लास बना रखी है, यहाँ पे क्लास है. इस क्लास में एक मेथड है void add new int i. दिस मेथड एड्स द वैल्यू विच आई विल पास फ्रॉम हेयर टू i. इट विल अपेंड द वैल्यू ऑफ i विच आई विल पास फ्रॉम हेयर टू मल्टीपल टाइम्स इन द लूप. नाउ लेट्स सी. Next, I will write first the program. So what I am doing here is I am adding the value of I with the variable n, which is incrementing up to 5 in the loop, and this method is used to retrieve the name of the currently accessing thread. So t.getName is used to retrieve the name of thread. और उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया टी, देन थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मेथड विल रिटर्न द रेफरेंस ऑफ द करंटली एक्सेसिंग थ्रेड फॉर दिस पर्टिकुलर कोड. नाउ दिस इज क्लास बी विच इज ऑफ टाइप थ्रेड. आई हैव क्रिएटेड अ ऑब्जेक्ट ऑफ this class A, and in the run method we will call this add new method. run method में से इसलिए call कर रहे हैं जिससे कि जब thread access करेगा तो thread बार बार इसको concurrently और parallelly access कर सकेंगे. so I will write here a1 dot add new and suppose I am passing 100. This is class sync test. It contains main method. I have created object of this class B. Now we will create two different threads. Thread ko create karne ke liye thread T1 equals to new thread. Direct hum thread create kar rahe hain yahan se. You will pass the object of this. Then create another thread T2. एंड पास सेम ऑब्जेक्ट बी. जो आपने इधर पास किया था वही ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे पास करना है. थ्रेड्स के नेम सेट कर देते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि कौन सा थ्रेड करंटली एक्सेस कर रहा है. सो आई विल गिव दिस थ्रेड नेम T1 एंड T2 को हम नाम दे देंगे T2. नाउ वी विल स्टार्ट द थ्रेड यूजिंग स्टार्ट मेथड. Now you can not predict the output of any multi-threaded program, but in this program what is happening is we have created two threads on the same object.
So these two threads can access the method concurrently. T1 भी start हो गया, T2 भी start हो गया. Suppose T1 is accessing this method first. So the output can be, यहाँ से T1 का नाम आएगा T1 I plus N. I हमने पास किया था 100, यहाँ से 100 पास किया था हमने. So and we are printing I plus N. N शुरू में 1 है. So the output can be T1 101 and suddenly T2 can also access this particular method. तो output आपका ऐसे भी आ सकता है T2 101, then T2 102, T1 102 and so on. Now you can see that the output is not consistent. T1 भी आ रहा है, T2 आ रहा है, फिर T2 फिर T1, inconsistently output आ रहा है आपका. So इस inconsistent state को solve करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? We can write synchronized keyword before this method. तो आप यहाँ पे लिख देंगे synchronized method से पहले. Synchronized, जैसे ही आप इस method को करोगे तो जो भी thread पहले इसको access कर लेगा, whether it is T1 or T2 doesn't matter. Suppose T1 gets control of this method first, then T1 will continue its execution till it finishes, and after T1 gets finished, then T2 will be allowed to access the method. It is like acquiring a lock and releasing the lock after the execution. This is how we can solve the problem with synchronized, and this is exactly the problem that can happen if you are not using synchronized keyword. Now we will see what is synchronized block and what is the problem with the synchronization. Synchronization solves the problem of inconsistency, but it also has some problems. First problem is synchronization increases waiting time. Now what do you mean by waiting time is, suppose this is the method which is synchronized and there are 10 different threads up to T2, T1, T10. There are 10 threads that wants to access this particular method. Suppose T1 gets access of this method first and it takes 5 seconds to complete its execution. Similarly, T2, T3, T4 and so on. So, T10 gets access of this method after around 50 seconds, which is almost 1 minute. So, it increases waiting time or it reduces the concurrency. Second is, it affects the performance of the system. Or it decreases the performance of the system. Performance of the system is always better if there is more concurrent execution of the processes or threads. But in this we are saying that only one thread can execute at a time. So it affects or it decreases the performance of the system. So synchronized, jab tak bahut zaruri na ho, it is not advised to use. आपको जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो सिंक्रोनाइजेशन की, तब तक सिंक्रोनाइजेशन को यूज़ नहीं करना चाहिए. नाउ व्हाट इज सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक. सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का बेनिफिट क्या है ओवर सिंक्रोनाइज्ड मेथड? इफ़ वी वांट ओनली फ्यू लाइंस ऑफ कोड टू बी सिंक्रोनाइज, देन वी कैन यूज सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक. पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ वी वांट टू सिंक्रोनाइज ओनली फ्यू लाइंस ऑफ कोड, then we can use synchronized block also. So synchronized block ka syntax hai, just use synchronized keyword, pass the object, and these are the lines which will be synchronized. Okay. So this is how
synchronization works in Java. We have discussed almost all the theory of synchronization in this tutorial. In the next tutorial, we will see execution of synchronization. First, we will see the problem of synchronization, and then we will see what happens when we use synchronized keyword. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects. Thank you.